आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह लंब वृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखेंगे। थॉमस, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? मुझे माँ ने एक नल खरीद कर लाने को कहा है। हाँ, चलो चलें। चाचा, मुझे एक नल दीजिएगा। हाँ, ये लो बेटा। चाचा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? दरअसल मुझे एक लोहे का पाइप बनाना है। मुझे इसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर, बाहरी व्यास 2.5 सेंटीमीटर और लंबाई 35 सेंटीमीटर तो ज्ञात है। और मैं ये भी जानता हूँ कि लोहे के 1 सेंटीमीटर घन का द्रव्यमान 7 ग्राम के बराबर होता है। लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि इसे बनाने के लिए मुझे कितने लोहे की आवश्यकता होगी। थॉमस, चाचा की समस्या का हल तो हम गणित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो थॉमस, क्योंकि पाइप की कुछ मोटाई है इसलिए इसके 2 व्यास हैं। पाइप को बनाने के लिए आवश्यक लोहा इसकी आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच की जगह घेर रहा है, इसलिए हम पाइप को बनाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे को इसके बाहरी आयतन में से इसके आंतरिक आयतन को घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। हाँ मानस, और देखो, पाइप की आंतरिक और बाहरी दोनों सतहें लंब वृत्तीय बेलनाकार हैं, क्योंकि इनके वक्रीय भाग इनके वृत्ताकार आधार पर लंब हैं। बिल्कुल ठीक थॉमस, हम पाइप के आंतरिक लंब वृत्तीय बेलन के आयतन को पाई r1 का वर्ग और h के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां r1 बेलन के आंतरिक आधार की त्रिज्या और h उसकी ऊंचाई है और पाइप के बाहरी लंब वृत्तीय बेलन के आयतन को हम पाई r2 का वर्ग और h के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां r2 बेलन के बाहरी आधार की त्रिज्या और h उसकी ऊंचाई है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, पाइप को बनाने में इस्तेमाल होने वाला लोहा इसके बाहरी और आंतरिक बेलनों के आयतनों के बीच के अंतर के बराबर है। पाइप के आंतरिक बेलनाकार हिस्से का व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी और पाइप के बाहरी लंब वृत्तीय बेलनाकार हिस्से का व्यास 2.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या 1.25 सेंटीमीटर होगी। चलो अब हम इस सूत्र में r1 और r2 की जगहों पर क्रमशः पाइप के आंतरिक और बाहरी बेलनाकार हिस्सों की त्रिज्या 1.25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर लिख लेते हैं और फिर h की जगह पाइप की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। अब मेरी बारी, इसे इस तरह से मैं जल्दी से हल कर लेता हूँ। और हम जानते हैं कि लोहे का 1 सेंटीमीटर घन 7 ग्राम के बराबर है, इसलिए पाइप में इस्तेमाल होने वाले लोहे का द्रव्यमान 61.875×7 यानी 433.125 ग्राम के बराबर है। देखो मानस, चाचा को पाइप के लिए 433.125 ग्राम लोहे की आवश्यकता है। चलो थॉमस, हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौट चले,
चाचा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दोनों दोस्तों ने चाचा को पाइप बनाने के लिए आवश्यक लोहे की मात्रा बता दी। ये जानकर चाचा ने दोनों को धन्यवाद कहा और उनकी बुद्धिमत्ता को खूब सराहा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लंब वृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित एक मजेदार उदाहरण को देखा। तो उम्मीद है कि अब आपको लंब वृत्तीय बेलन के आयतन वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की अच्छी समझ हो गई होगी।